प्यारे विद्यार्थियों, आज एक नया निबंध लेके आ चुके हैं महाकवि कालिदास का। तो चलिए पूरी तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि एक निबंध में आपको संस्कृत में 10 नंबर पूरे के पूरे दिए जाते हैं। तो अगर आप मेरे बताए अनुसार नोट कर लेते हैं तो पूरे के पूरे आपको 10 नंबर कैसे मिलने वाले हैं, पूरी चीजें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नोट कर लेना है आपको, यहाँ पर महाकवि कालिदास है। क्या नोट करेंगे? महाकवि कालिदास है नोट करेंगे। हेडिंग में यहाँ नोट करेंगे, कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास है, संस्कृत भाषा है श्रेष्ठतम कवि आसीत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कवि कुल शिरोमणि में महाकवि कालिदास का जो संस्कृत भाषा में एक बहुत ही श्रेष्ठतम स्थान है, यानी एक बहुत ही उच्च स्थान यहाँ पर दिया गया है। सह नाटककार महाकाव्य प्रणेता गीत काव्य काव्यकर्ता खंड काव्यकर्ता च आसीत। यानी कवि जो कवि कालिदास हैं ये नाटककार हैं, महाकाव्य के प्रणेता हैं, गीत के काव्य के रचयिता हैं और खंड काव्य के रचयिता हैं। अगला पॉइंट नोट करेंगे, तस्य प्रमुखः ग्रंथः सन्ति। यहाँ पर कुछ उनके प्रमुख रूप से जो ग्रंथ हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। क्या हो जाएंगे? तस्य प्रमुखः ग्रंथः सन्ति, यथा यहाँ पर उनके कुछ प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए हैं। त्रीणी नाटकान, त्रीणी नाटकान का मतलब होता है तीन नाटक। कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम चा। ये पूरा का पूरा आपको संस्कृत में नोट करना है। मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें, ठीक है। महाकाव्यम द्वयम, महाकाव्य दो हैं। कौन कौन से हैं? यानी कालिदास के दो महाकाव्य हैं, एक रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि महाकाव्य कालिदास के कितने हैं, तो याद रखेंगे दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, ठीक है। चलिए गीति काव्यम द्वयम। अब देखो गीति काव्यम क्या होता है, तो गीति काव्य भी कालिदास ने दो ही नोट किए हैं। तो कौन कौन से हैं? मेघदूतम, ऋत संहारम चा, ठीक है। कौन कौन से दो महाकाव्य हैं गीति काव्य में? तो गीति काव्य के दो ही काव्य हैं। कौन कौन से हैं? मेघदूतम और ऋत संहारम, ठीक है। चलिए अगला लाइन नोट करना है यहाँ पर, कालिदास से लोकप्रियतम कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्तम ललिताश 8400400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधे व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 ITJEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शैली अस्ति, कालिदास का जो लोकप्रियता का कारण क्या है? तो उसका कारण है उनकी प्रसाद गुण युक्त लालित शैली की वजह से उनके जो ग्रंथ हैं काफी प्रचलित हैं, काफी लोकप्रिय ग्रंथ उनके माने जाते हैं। कालिदासस्य प्रकृति, ध्यान देंगे, कालिदासस्य प्रकृति चित्रण अतीव रम्यम अस्ति। यानी जो कालिदास का प्रकृति चित्रण है बहुत ही रमणीय होता है, यानी बहुत ही अच्छा लगता है उनका। जो भी कालिदास ने प्रकृति चित्रण के बारे में जो वाक्य लिखे हैं, जो संभावना अपनी जो व्यक्त की, अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं, बहुत ही रमणीय लगता है। चरित्र चित्रण कालिदास अतीव पटु अस्ति। यानी जो चरित्र चित्रण का इन्होंने भाव विस्तार से वर्णन किया है बहुत ही अच्छा लगता है, अतीव पटु अस्ति। अगला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, कालिदास है महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि आसीत। जो कालिदास है ये महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि के रूप में भी आसीत थे, यानी ये सभा कवि भी थे। यानी जो कालिदास है ये महाराज विक्रमादित्य के सभा कवि भी रह चुके हैं। अनुमेते सत्तस्य जन्मभूमि उज्जैनी आसीत। यानी कालिदास जी का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था? तो कालिदास जी का जो जन्म है उज्जैनी नगरी में हुआ था। मेघदूते उज्जैनीय भव्यम वर्णम विदते। मेघदूत जो उनकी रचना है उस रचना में उज्जैनीय यानी उज्जैन नगर का बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण वर्णन आपको देखने को मिलेगा। कालिदासस्य साहित्य काव्य सौंदर्य रस निरूपणम चा सर्वत्र दृश्यन्ते तस्य सूक्ते सुधाशक्तम चतोहराश्यन्ते, ठीक है। यहाँ पर मेन पॉइंट में कहा जा रहा है कि कालिदास साहित्य में काव्य सौंदर्य रस का निरूपण भी है, चा सर्वत्र दृश्यन्ते तस्य सूक्ते, यहाँ पर कहीं कहीं पर भी सूक्ति का भी प्रयोग किया गया है।
सुधाशिक्ता। सुधाशिक्ता का क्या मतलब होता है, यानी रस के निरूपण में जब सूक्तियों का ऐसा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर एक धारा सा प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। कालिदासस्य उपमा प्रयोग अपूर्वः अदन्ते साधुचित्ते, यानी यहाँ पर जो कालिदास ने उपमा का प्रयोग किया है, जिस तरह से यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस का निरूपण किया गया है, काव्य सौंदर्य का प्रयोग किया गया, उससे एक अपूर्व साधु चित्त का आपको यहाँ प्रयोग देखने को मिलेगा। इस तरह से उपमा कालिदासस, इस तरह से कालिदास को उपमा कालिदासस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको महाकवि कालिदास का पूरा निबंध नोट कर लेना है। अगर आप इस तरह से पूरा का पूरा नोट करेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से नोट करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।